फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक पतिव्रता स्त्री कब निर्वस्त्र हो सकती है। एक पतिव्रता स्त्री किस समय निर्वस्त्र हो सकती है? जब उसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रसंग का उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये प्रसंग सती अनुसूया से संबंधित है। एक समय की बात है जब सती अनुसूया के पतिव्रत धर्म की महिमा संपूर्ण जगत में बखान की जाने लगी। देवऋषि श्री नारद ने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती को भी सती अनुसूया के पतिव्रत धर्म के बारे में बताया और कहा कि आप सभी महादेवियों का पतिव्रत धर्म भी उनके पतिव्रत धर्म के आगे फीका है। ऐसी बात सुनकर तीनों महादेवियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सती अनुसूया के पतिव्रत धर्म की कठोर तपस्या करवाने और परीक्षा लेने के लिए कहा। त्रिदेवों ने ऋषियों का रूप धारण कर सती अनुसूया के आश्रम में प्रवेश किया। अनुसूया ने उनको आतिथ्य सत्कार किया और भोजन ग्रहण करने का निवेदन किया। तीनों देवों ने उसके आश्रम पर भोजन ग्रहण करने की एक शर्त रखी कि हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन देगी। देवी अनुसूया पतिव्रता थी, इसलिए मर्यादा को कायम रखने के लिए ऋषियों से कहा कि एक स्त्री केवल अपनी बाल संतान के समक्ष निर्वस्त्र हो सकती है। अतः आप यदि बालक के रूप में हो जाओ तो मैं आपको भोजन जरूर कराऊंगी। ऐसा सुनकर तीनों देव नन्हे बालकों के रूप में परिवर्तित हो गए और माता अनुसूया ने उनको स्तनपान कराया। माता अनुसूया अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा में खरी उतरी। तीनों देव अपने वास्तविक रूप में आए और उनको तीनों देवों के अंश दत्तात्रेय के पुत्र के रूप में प्रदान किया। दोस्तों, पतिव्रता स्त्री को होती हैं जो अपने पति धर्म को जीवन पर्यंत निभाए और पति को परमेश्वर माने। दोस्तों, पतिव्रता स्त्री के रूप में सती अनुसूया ने संसार में अपना अमर नाम किया है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी, मनोरंजन और ज्ञान की वीडियो लाते रहें। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।